तो कैसे आप सब, आई होप यू गाइस ऑल वेल। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले बॉलीवुड के काफी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग न्यूज के बारे में, जैसे कि करण जौहर की नाम इस बार जुड़ने वाले ड्रग्स मामले में। हाँ जी दोस्तों, और दूसरी तरफ शिवानी डांडेकर जो कि फरहान अख्तर की गर्लफ्रेंड है, वो फिर से ट्रोल के शिकार हुआ। और भी काफी इंटरेस्टिंग न्यूज इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक रिक्वेस्ट है भाई, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि पूरी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की खबरें मैं चैनल में कवर करता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट करण जौहर। इसके आगे भी तीन एक्टर के नाम सामने आया था, जैसे सारा अली खान, राकुल प्रीत एंड एक फैशन डिजाइनर का नाम, और इस बार उठ के आया मुकेश चावड़ा की नाम। हाँ, उन्होंने आज ही रिवील किया हाल ही में रिलीज हुआ दिल बेचारा के डायरेक्टर मुकेश चावड़ा भी इसके साथ जुड़े हुए। एक वीडियो बहुत टाइम से वायरल हो रहा है कि 30 जुलाई 2019 में करण जौहर की एक पार्टी था, उस पार्टी का वीडियो रिसेंटली बहुत वायरल होने लगे, जहाँ विकी कौशल जैसी, वरुण धवन जैसी, रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, मलाइका अरोरा, अर्जुन कपूर जैसे काफी बड़े बड़े स्टार को इस वीडियो में दिखाई दिया था। वैसे भी दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि रिया चक्रवर्ती 25 लोगों बॉलीवुड स्टार के बारे में बताने वाले जो कि ड्रग्स मामले में जुड़े हुए। अभी 4-5 नाम तो खुलासा कर दिया, और भी उन्होंने एनसीबी को बता दिया कि इनमें से कितना लोग इसके अंदर जुड़े हुए। और ये भी सुनाई दिया रहे कि करण जौहर को उस पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद पूछताछ करने वाले सीबीआई। इसके बारे में अगर कुछ अपडेट आएगा मैं जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट स्टोरी में चलते कि शिवानी डांडेकर जो कि फरहान अख्तर की गर्लफ्रेंड, उन्होंने फिर से हो गया ट्रोल की शिकार। अब क्यों ट्रोल की शिकार हुआ है चले बताते। एक कुछ दिन आगे इंस्टाग्राम में उसके एक पोस्ट देख के जनता बहुत गुस्सा आ गया था। उन्होंने बोलने लगा कि यह शिवानी डांडेकर है कौन है, ये तो फरहान अख्तर की गर्लफ्रेंड है। और इस चीज होने के बाद कमेंट सेक्शन में काफी हेट मिलने लगे, काफी गाली वगैरह बकते रहे, और उसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम की कमेंट बॉक्स लॉक कर दिया। इसके पहले भी सोनाक्षी सिन्हा, आलिया भट्ट, करण जौहर, करीना कपूर खान ने भी इसके जैसे कमेंट बॉक्स लॉक कर दिया। अगर आप अभी जाके उसका इंस्टाग्राम कमेंट बॉक्स चेक करोगे तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट स्टोरी में चलते हैं ये किंग खान के बारे में। किंग खान की अपकमिंग फिल्म पठान लेके आ गया एक बहुत बड़ी अपडेट। अपडेट ये कि जॉन इब्राहिम इस फिल्म में नेगेटिव कैरेक्टर में दिखाई देगा। हाँ जी दोस्तों, एसआरके की अपकमिंग फिल्म जो कि 2021 अक्टूबर में रिलीज हो सकता है, ऐसी खबर आ रहा है। उस फिल्म के से जुड़े हुए एक अपडेट सामने आया जो कि जॉन इब्राहिम को इस फिल्म में दिखाई दे सकता है नेगेटिव कैरेक्टर में। जैसे कि यशराज फिल्म इस फिल्म का प्रोड्यूसर, इससे पहले भी उन्होंने बैंग बैंग जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी, वार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी, और उसके बाद डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनने जा रहे पठान। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि इस फिल्म का बजट हो सकता है 150 करोड़ से भी 200 करोड़। रोमांस किंग खान ने फिर से एक बार आ रहा है फिल्म में। ये फिल्म लेके और भी एक चीज सामने आया कि इसका जो टाइटल पठान, ये भी चेंज हो सकता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पिंक विला की तरफ से खबर सामने आया। इस फिल्म का टाइटल अगर सच में चेंज होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। तो इस आर के की ये फिल्म लेके आप कितना एक्साइटेड है जरूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त कहीं मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।